एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, इफ ए इज मल्टीप्लाइड एन टाइम्स देन दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन, एंड वी ऑल नो ए इज ए रेज टू द पावर एन में ए को हम बेस और एन को एक्सपोनेंट कहते हैं। ए रेज टू द पावर एन, ए इज द बेस एंड एन इज द एक्सपोनेंट। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4। सेकेंड, 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए एन टाइम्स, दिस इज वन अपॉन ए रेज टू द पावर एन। 1 बाई ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एन टाइम्स एंड दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन ए रेज टू द पावर एन और वन अपॉन ए रेस्ट होल रेस्ट टू द पावर एन। वी कैन ऑल्सो राइट दिस ए रेस्ट टू द पावर माइनस एन। लेट अस प्रूव दिस। एल एच एस इज इक्वल टू वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए इंट एन टाइम्स। एल एच एस यही है, वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए एन टाइम्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, एन टाइम्स, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है एन टाइम्स, वन इंटू वन एन टाइम्स अपॉन ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें, इफ समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एन टाइम्स देन वी कैन राइट लाइक दिस, तो वन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एन टाइम्स, दिस इज वन रेज टू द पावर एन, एंड ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एन टाइम्स, दिस इज ए रेज टू द पावर एन। तो वन रेज टू द पावर एन इज वन, वन को हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन ही आएगा, तो वन रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू वन एंड ए रेज टू द पावर एन। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक, एक चीज इसमें याद रखना है कि अगर हम ए रेज टू द पावर एन ये न्यूमरेटर में अगर ले जाना है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है, तो जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है उसके साइन को चेंज कर देना है। दैट इज अगर ए रेज टू द पावर एन है, ठीक, अभी ये न्यूमरेटर में है ए रेज टू द पावर एन अपॉन वन, अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है तो उसके साइन को हम चेंज कर देंगे एंड वाइस वर्सा, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना है वी विल चेंज द साइन, या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना है वी विल चेंज द। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस 3। थर्ड, ए रेज टू द पावर एम एन टू ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम प्लस एन। ए रेज टू द पावर एम एन टू ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम प्लस एन।
प्रूफ, LHS इज ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन। ए रेस टू द पावर एम का मतलब ए को हमें एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड ए रेस टू द पावर एन का मतलब ए को हमें एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ए कितनी बार, इस ब्रैकेट में ए एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इस ब्रैकेट में ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वी कैन राइट कि ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एम प्लस एन टाइम्स। ठीक, कैसे? टू रेस टू द पावर थ्री इंटू टू रेस टू द पावर फोर। इसका मतलब दो को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल टू रेस टू द पावर फोर इंटू टू रेस टू द पावर थ्री। इसका मतलब दो को हमें तीन बार मल्टीप्लाई करना है और दो को चार बार मल्टीप्लाई करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो को हमें दो को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, दो को चार, टू रेस टू द पावर थ्री मीन्स दो को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, टू रेस टू द पावर फोर मीन्स दो को चार बार मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल हम दो को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सात बार। इसको हम लिख सकते हैं टू रेस टू द पावर सेवन। तो सिमिलरली यहां तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां चार बार, तो यहां पे हम सात बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थ्री प्लस फोर टाइम्स, टू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड थ्री प्लस फोर टाइम्स। सेम चीज ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ए को हम एम प्लस एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इसको हम लिख सकते हैं, इफ ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एम प्लस एन टाइम्स देन इट इज ए रेज टू द पावर एम प्लस एन, एंड दिस इज आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ इज ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। फोर्थ क्या है, ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। ठीक, एल एच एस से स्टार्ट करेंगे प्रूफ। एल एच एस इज ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन। इट कैन बी रिटन एज ए इंटू ए इंटू ए एम टाइम्स ए रेज टू द पावर एम का मतलब ए एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर ए रेज टू द पावर एन मीन्स ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं, या तो m का वैल्यू n से बड़ा हो सकता है, या फिर m का वैल्यू n के बराबर हो सकता है, एंड द लास्ट केस इज m इज लेस देन n। फर्स्ट केस m इज ग्रेटर देन n। इफ m इज ग्रेटर देन n देन वी कैन राइट ए इंटू ए इंटू ए एम टाइम्स अपॉन ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स। तो अगर एम एन से बड़ा है इट मीन्स एम माइनस एन इज ग्रेटर देन जीरो। वी कैन राइट ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एम माइनस एन टाइम्स। इफ एम इज ग्रेटर देन एन तब हम क्या लिखेंगे,
इंटू ए इंटू एम माइनस एन टाइम्स अगेन इट इज समथिंग लाइक दैट, टू रेज टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई टू रेज टू द पावर टू। न्यूमरेटर में टू का जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर में टू के एक्सपोनेंट से बड़ा है, थ्री इज ग्रेटर देन टू। वी कैन राइट लाइक दिस, टू इंटू टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू इंट टू रेस्ट टू द पावर थ्री मीन्स टू इंटू टू इंटू टू, टू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स, एंड टू रेस्ट टू द पावर टू मीन्स टू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू टाइम्स। वी कैन राइट दिस, टू इंटू टू इंटू टू दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड थ्री माइनस टू टाइम्स, दैट इज टू ओनली टू, टू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड थ्री माइनस टू टाइम्स मीन्स टू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड वन टाइम्स, द आंसर इज टू। सिमिलरली वी कैन राइट दिस, और अगर ए एम माइनस एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ए रेज टू द पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। सेकेंड केस इज एम इज इक्वल टू एन। अगर एम और एन दोनों इक्वल है इट मीन्स कि न्यूमरेटर में भी ए जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी ही बार डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर न्यूमरेटर में एम टाइम्स हो रहा है और डिनोमिनेटर में एन टाइम्स, एंड इफ एम इज इक्वल टू एन देन ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। वी कैन राइट ए इंटू ए इंटू ए इंटू एम माइनस एन टाइम्स विच इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए जीरो टाइम्स। ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड जीरो टाइम्स ए रेज टू द पावर, या वी कैन राइट लाइक दिस, ए रेज टू द पावर एम माइनस एन एंड विच इज ए रेज टू द पावर जीरो एंड दिस इज इक्वल टू वन। एक चीज यहां पे याद रखना है, किसी भी चीज का पावर जीरो, कोई भी चीज, ये डब्बा है इसका पावर जीरो वन होगा। इस डब्बे के अंदर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सिर्फ डब्बे के अंदर हम एक रियल नंबर नहीं रख सकते हैं, जीरो रेज टू द पावर जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, ये याद रखना है। नोट नोट में डब्बे के अंदर हमें कोई भी रियल नंबर रखना है, एनी रियल नंबर रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, बट एनी रियल नंबर में यहां पे हम जीरो नहीं रख सकते हैं, वी कैन नॉट पुट हियर जीरो। जीरो रेज टू द पावर जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, इट इज नॉट डिफाइंड, जीरो रेज टू द पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। केस थर्ड, व्हेन एम इज लेस देन एन, एम एन से छोटा है तो वी विल राइट लाइक दिस, सिंस एम इज लेस देन एन देन वी विल राइट एन माइनस एम, क्योंकि अगर अगर एम एन से छोटा है इट मीन्स एम माइनस एन इज लेस देन जीरो विच मीन्स एम माइनस एन इज ए निगेटिव क्वांटिटी, सो वी विल राइट एन माइनस एम, एन माइनस एम इज ग्रेटर देन जीरो। सो यहां पर हम लिखेंगे वन अपॉन ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन माइनस एम टाइम्स विच इज वन अपॉन ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। फिफ्थ इज ए रेज टू द पावर एम होल रेज टू द पावर एन, ए का पावर एम है और इस पूरे का पावर एन है, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम इंटू एन। ठीक, प्रूफ करते हैं इसे।
एल एच एस इज ए रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन। लेट अस अज्यूम ए रेस टू द पावर एम बी, ए रेस टू द पावर एम को हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं बी। लेट ए रेस टू द पावर एम बी बी, सो हमारा एल एच एस क्या हो जाएगा, बी रेस टू द पावर एन। बी रेस टू द पावर एन मीन्स बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, कितनी बार, एन टाइम्स। बी रेस टू द पावर एन का मतलब क्या है, बी को हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बी को हमने क्या एज्यूम किया था, ए रेस टू द पावर एम। तो यहां पे ए रेस टू द पावर एम रख दें, ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एम इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एन टाइम्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर एम इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल, टू रेस टू द पावर थ्री रेस टू द पावर फोर, इसका मतलब टू रेस टू द पावर थ्री इज गेटिंग मल्टीप्लाइड फोर टाइम्स। टू रेस टू द पावर थ्री होल रेस टू द पावर फोर मीन्स टू रेस टू द पावर थ्री इज गेटिंग मल्टीप्लाइड होल टाइम्स। टू रेस टू द पावर थ्री इज गेटिंग मल्टीप्लाइड फोर टाइम्स, दिस मीन्स टू रेस टू द पावर थ्री इंटू फोर विच इज टू रेस टू द पावर 12। टू रेस टू द पावर थ्री होल रेस टू द पावर फोर मीन्स टू रेस टू द पावर थ्री इज गेटिंग मल्टीप्लाइड फोर टाइम्स। तो टू रेस टू द, दिस कैन बी रिटन एज टू रेस टू द पावर थ्री इंटू फोर विच इज टू रेस टू द पावर 12। इसमें एक और चीज याद रखेंगे, ए रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन इज ऑल्सो इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन होल रेस टू द पावर। यहां पे हमने क्या देखा कि ए का जो पावर एम है और जो होल टू द पावर एम है, दीज टू पावर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, सो वी हैव रिटन एम इन टू एन। तो इस केस में ए रेस टू द पावर एन होल टू द पावर एम वी कैन राइट ए रेस टू द पावर एन एम, और यहां पे ए रेस टू द पावर एम एन, एम एन एंड एन एम बोथ आर सेम। हम दो नंबर का प्रोडक्ट करें, उसके ऑर्डर को चेंज कर दें, आंसर विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, टू इंटू थ्री इज ऑल्सो सिक्स एंड थ्री इंटू टू इज ऑल्सो सिक्स, सो दीज टू आर इक्वल एंड बोथ कैन बी रिटन एज ए रेस टू द पावर एम एन और ए रेस टू द पावर एन एम। नेक्स्ट इज ए बी, ए एंड बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, और इस पूरे का पावर होल टू द पावर कितना है, एम। दिस कैन बी रिटन एज ए रेस टू द पावर एम इंटू बी रेस टू द पावर एम। ठीक, एल एच एस से प्रूफ करेंगे। एल एच एस ए बी रेस टू द पावर एम मीन्स, इसका मतलब क्या है, ए बी को हमें एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी एम टाइम्स। ए बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एम टाइम्स, ए बी रेस टू द पावर एम का मतलब क्या है, ए बी को हमें एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इफ ए बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एम टाइम्स, तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए है दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एम टाइम्स, ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एम टाइम्स एंड बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एम टाइम्स। अगर ए बी को हम एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और बी एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ए एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब ए रेस टू द पावर एम इंटू बी एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब बी रेस टू द पावर एम। दिस इज इक्वल टू आर एच एस,
हैंस प्रोब्ड। फॉर एग्जाम्पल 3 raised to the power 3 इंटू 7 raised to the power 3। दिस कैन बी रिटन एज 3 into 7 raised to the power 3। 3 raised to the power 3 और 7 raised to the power 3 इन दोनों के प्रोडक्ट को 3 raised to the power 3 इंटू 7 raised to the power 3 इन दोनों का प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं 3 into 7 whole raised to the power 3 विच इज 21 raised to the power 3। ए बाई बी होल रेज टू द पावर एम, दिस इज ए रेज टू द पावर एम अपॉन बी रेज। अगर ए अपॉन बी का पावर m है, होल का पावर m है, तो इस पावर को हम a और b दोनों पे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोडक्ट वाले में किया था। प्रूफ करते हैं, a रेज टू द पावर a अपॉन b रेज टू द पावर m, दिस मीन्स a बाय b इज गेटिंग मल्टीप्लाइड m टाइम्स। इफ अ फ्रैक्शन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड m टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर भी m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर भी m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए m टाइम्स होल डिवाइडेड बाई b इंटू बी m टाइम्स। इफ अ फ्रैक्शन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड m टाइम्स, अगर कोई फ्रैक्शन m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे न्यूमरेटर m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर भी m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर एक फ्रैक्शन में सेम है। तो a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और b भी m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। a अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहला लॉ a रेज टू द पावर m एंड बी रेज टू द पावर एम, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। फॉर एग्जाम्पल 3 raised to the power 5 अपॉन 7 raised to the power 5, दिस कैन बी रिटन एज 3/7 whole raised to the power 5। या फिर उल्टा अगर इस तरीके से हो, 2/3 whole raised to the power 4, दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 4। इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय।